बेळगाव येथील JL विंगच्या वतीने शनिवारी कारगिल विजय दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कारगिल युद्धातील सहभागी अधिकारी व जवानांचा सत्कार करण्यात आला. JL विंगचे कमांडर मेजर जनरल अशोक काकर यांनी कारगिल युद्धाच्या संदर्भातील माहिती दिली, तसेच भारतीय सैन्याने मिळवलेल्या विजयाबद्दल गौरवोद्गार काढले. जसं की आपने बॅटल ऑफ टायगर हिल और बॅटल ऑफ तोलोलिंग और बॅटल ऑफ खालुबार के बारे में जानकारी प्राप्त करी की ये दोनों रेजिमेंट्स की बटालियन 18 ग्रेनेडियर और 111 गोरखा राइफल्स दोनों के जो है नुमाइंदे हमारे बीच में है पोस्टेड है और मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि इनके इस लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया वो भी हमारे बीच में समक्ष है क्योंकि अमूमन मोस्टली जो हम लोग हैं हम लोगों ने ये लड़ाई बाहर टीवी के जरिए देखी या हम लोग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थे और हिस्सा नहीं ले सके लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे बहादुर जैसे वाले जवान हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. कारगिल लड़ाई के बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी तो दुश्मन चालाकी से घुसपैठ करके हमारे एरिया में आ गया था और कुछ समय तक हमारे को ये क्लियर नहीं था कि ये उग्रवादी हैं कि पाकिस्तानी फौज के सोल्जर हैं. लेकिन जैसे जैसे पिक्चर साफ होती गई हिसाब किताब क्लियर हुआ और पता लगा कि ये तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान की एक रेजिमेंट के सिपाही है जो कि उग्रवादी की भेष में उनका लिबास उनके कपड़े पहनकर हमारे एरिया में आ चुके हैं और उनको बड़ी मुश्किल से वहां से खदेड़ा गया और इसके लिए भारतीय सेना के 527 अफसर जेसीओ और जवान शहीद हुए और तकरीबन 1300 अफसर जेसीओ और एनसीओ जो है वो इसमें घायल हुए. तो इसके लिए भारतीय सेना को काफी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी और इसलिए हम लोग जो है हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और इस साल खास करके ये 20वीं साल गिरा है तो एक बार फिर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच में 4 ऐसे JCOs और NCOs हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया. जय मैं सुधार विद्यमजुम फर्स्ट लेवल जीआर का रेफल्स रिवर्स अभी बटाली हमने हरिवार सेक्टर पूरा कब्जा किया था. जो अटैक के दौरान बारिश बर्फ और भूटा होने के बावजूद भी हिम्मत लेकर आगे बढ़ के दुश्मन को खड़े के खत्म किया. मदार तोफैल अहमद 22 ग्रेनेडियर हमारी बटालियन बटालिक सेक्टर में लड़ाई के दौरान ऑपरेट करने का मौका मिला जहां पर खराब टेरेन चढ़ाई बर्फ ठंडी के बावजूद भी हमारे साथ जवानों ने दुश्मन को मार भगाने में काफ़ी सहयोग किया और हमें सफलता भी अच्छी तरह से मिली. वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हमें उठाना पड़ा फिर भी हिम्मत कायम रखते हुए दुश्मन को भगाया. कार्यक्रमाला JL विंगचे अधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.